हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक एलईडी आया है और ये है 24 इंच का। और इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, कस्टमर बोल रहा था कि ये चलते चलते 10 मिनट बाद बंद हो जाता है। और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बस ये 10 मिनट चल के 10 मिनट या 5 मिनट चल के उसके बाद ये बंद हो जाता था। तो आइए आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये किस कारण होता है, आज हम आपको बताएंगे। और ये पहले रिपेयर हुआ है, पहले किसी टेक्नीशियन ने इसको रिपेयर किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर सेक्शन है, इन्वर्टर बोर्ड लगता है इसका इन्वर्टर बोर्ड काम नहीं कर रहा होगा, ये इन्वर्टर बोर्ड काम नहीं कर रहा होगा सेक्शन जो है इसका, तो इसलिए टेक्नीशियन ने अलग से इन्वर्टर बोर्ड जो है लगा के इसको चालू किया था। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। मैंने इसको खोल लिया और मैंने इसको चेक भी कर लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो इसके जो आउटपुट सेक्शन में जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, ये देखिए, ये कैपेसिटर जो है ये आउटपुट सेक्शन में लगा हुआ था और ये भी कैपेसिटर जो है ये लगा हुआ था, आप देख रहे हो। ये देखिए, ये फूला हुआ है, ध्यान से देखिए इसको ऊपर से, ये तो थोड़ा फूला हुआ है। और बाकी के कैपेसिटर आप देख सकते हो, देखिए ये बिल्कुल प्लेन है यहाँ से ऊपर से। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फूला हुआ है ऊपर से, तो आपको ये देख लेना है, ये आउटपुट सेक्शन में लगे हुए कैपेसिटर हैं जो, तो वो इसकी वजह से हमारा जो एलईडी है वो 10 मिनट चल के और कैपेसिटर जब हीट हो जाता था तो ये इसको बंद करवा देता था, बोर्ड को, बोर्ड की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती थी। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं, इसकी जो वैल्यू है आपको निकाल के देख लेनी है। ये देखिए, 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, तो सेम वैल्यू का ही जो कैपेसिटर है वो हम लगाएंगे। मेरे पास है, मैं ऑलरेडी इसको लेके आया था कैपेसिटर को, तो ये है मेरे पास कैपेसिटर और ये 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का है। तो आइए मैं इसको लगा के फिर मैं आपको चेक करते हैं कि इससे होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर इन्वर्टर सेक्शन जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा, इसका बोर्ड जो है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए मैं पहले इसको लगा लेता हूँ फिक्स करके और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और एक बात ध्यान देने लायक है इसमें कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो टर्मिनेशन है वो आपने जैसे कैपेसिटर लगा हुआ था वैसे ही लगाना है। और वैसे इसमें आपको मार्क भी दिया होगा, यहाँ पे देखिए अंदर ध्यान से देखोगे एक पॉजिटिव का निशान बना हुआ है। तो ये जो हमारी बड़ी वाली लेग होती है ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, और इसकी आप पहचान ऐसे भी कर सकते हो, ये नेगेटिव वाली साइड होती है तो यहाँ पे ये निशान दिया होता है, मार्क दिया होता है। देखिए ये लाइन दी हुई है, देखिए इसके भी नेगेटिव में लाइन दी हुई है और पॉजिटिव वाली साइड में कुछ नहीं होता। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, मैंने पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव लगा दिया है इसमें। अब मैं इसको सोल्डर कर दूँगा, मुझे इसको सोल्डर करना है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। जी, मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। इसको कटर की मदद से काट देंगे। तो
देखिए वैसे तो ये मेरा कैपेसिटर ठीक है, पर फिर भी मुझे इसका डाउट लग रहा है, तो मैं अभी उसको भी मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने निकाल दिया इसको। तो ये जो मैंने कैपेसिटर निकाला है ये भी हमारा 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड का है, सेम का ही है। तो उसको भी हम ये लगा लेंगे नया। तो आइए देखते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। इसमें फॉल्ट ढूंढना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी होता है। तो कभी कभी जैसे कोई कंपोनेंट जो होता है वो ख़राब हो या जल चुका हो तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, वो हमें दिख जाता है कि कैसे कोई ख़राब है कंपोनेंट। कोई फूला हुआ कैपेसिटर होगा, जैसे तो ये कैपेसिटर है, या तो ये फटा होगा या फिर ये फूला होगा कैपेसिटर, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा ख़राब है। तो चलिए अब मेरा सब ठीक है और कोई कैपेसिटर फूला हुआ नहीं है। तो चलिए मैं इसको सेट बिठा लेता हूँ और फिर इसको ऑन करके देखेंगे हम। चलिए दोस्तों अब इसको मैं बोर्ड को फिट कर लेता हूँ। की जो टेप है ये ख़राब हो चुकी है नीचे से डबल साइड, तो उसको लगा लेता हूँ मैं। मेरे पास डबल साइड टेप है तो मैं इसको लगा लूँगा। ये बोर्ड हिलेगा नहीं और अपनी जगह बैठ जाएगा। ये देखिए ऐसे लगा दिए मैंने। अब हम इसको चिपका देंगे। अब चिपक गया है ये बोर्ड हमारा। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने अब इसको पैक कर लिया है और मैं अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको। तो एक मिनट, तो देखिए एलईडी ऑन हो चुकी है। तो देख लीजिए ये हमारी परफेक्ट काम कर रही है। तो अभी मेरे पास डिश की अभी मेरे पास डिश नहीं है, तो इसलिए नहीं तो मैं आपको जो ऑडियो वीडियो वायर है वो डिश की वो लगा के आपको मैं दिखाता। वैसे ये ओके काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।